हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड बेक विद कविता। आज मैं लेके आई हूँ चिकन ड्राई रेसिपी, इन अदर वर्ड्स चिकन सुक्का। ये है मेरे गांव का, दैट इज मैंगलोर का स्पेशल और फेमस डिश है। ये हम नीर डोसा के साथ खाते हैं और बहुत ही यम और टेस्टी डिश है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। मसाला पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसके साथ डालेंगे 10 से 15 तक बेड़की मिर्ची और उसको स्लो फ्लेम में भूनेंगे। उसके साथ 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून फेनल सीड्स, दैट इज सौंफ, और 1/2 टीस्पून मेथी और 1 टीस्पून काली मिर्च और खड़े मसाले के साथ क्लोव्स, सिनेमम और इलायची डाल के भूनेंगे। और उसके साथ 1/2 टीस्पून पॉपी सीड डालेंगे, सॉल्ट करेंगे। दस से 12 लहसुन और इसके साथ डालेंगे कड़ी पत्ता, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। दो 3 सेकेंड्स तक इसको भून लेंगे। इसी के साथ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टैमरिंड डाल के इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड करके अच्छे सा पेस्ट बनाएंगे। तब तक हम नारियल को रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ 2 कप ग्रेटेड नारियल लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे और 2 सेकेंड्स तक अच्छे से भून लेंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ मैंने पैन में 2 टेबलस्पून घी लिया है और उसमें 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल के भून लेंगे। और इस प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ मॉइस्ट करना है। यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन लेके उसको हल्दी डाल के 10 मिनट तक मैरिनेट करके रखा था। पैन में चिकन को 1 बाय 1 डाल के प्याज के साथ मिलाएंगे। 10 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम में चिकन को पकाने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। पीसेस तो टेंडर हुआ है, अब हम डालेंगे बनाया हुआ मसाला पेस्ट। मसाला मिक्स होने के बाद 5 मिनट तक स्लो फ्लेम में इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। साइड बाय साइड आई एम प्रिपेयरिंग नीर डोसा आल्सो। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव अ चिकन सुक्का विद नीर डोसा। अब हम डालेंगे रोस्ट किया हुआ नारियल और उसी के साथ मैंने ग्राइंडर में मसाले के साथ 2 चम्मच नारियल ग्राइंड किया था, वो भी हम डाल देंगे। स्लो फ्लेम में रखेंगे और इस सब मसाला, नारियल और चिकन साथ में सब अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन सुक्का टर्न्ड आउट विद अ गुड कलर एज वेल एज लुक्स आल्सो डेलिशियस। लेट्स गार्निश विद अ कोरिएंडर लीव्स। धनिया पत्ता डाल देंगे। स्लाइटली मिक्स करेंगे। चिकन सुक्का इज रेडी टू सर्व, कोरी सुक्का विद नीर डोसा। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई रहेगी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करिए और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको ये रेसिपी कैसे लगी।
और आप ये रेसिपी ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। कुक एंड बेक विद कविता।